हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनक फैमिली व्लॉग में। तो आज का ये वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कनक फैमिली ब्लॉग में। और सबसे पहले तो मैं सभी फ्रेंड्स से सॉरी कहना चाहती हूँ कि मेरे दो तीन दिन से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और उसका रीज़न ये है कि बस थोड़ा सा ठंड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी घर पे, तो बस इसीलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। लेकिन आपकी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो मैं लेकर आई हूँ आज, और ये काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट में थी, तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं सबसे पहले इस रिक्वेस्ट को पूरा करती हूँ। और देख सकते हैं आप मेरे हाथों में क्या है, हैंकी। तो आज का वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है हैंकी टकिंग वीडियो इन साड़ी। तो मैंने पहनी हुई है सुंदर सी साड़ी और इसमें हम आपको करके दिखाएंगे हैंकी टकिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शेयर करिए ना करें प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, लाइक का आपका कोई पैसा नहीं लगता है, तो प्लीज मोटिवेट कीजिए और हम सबको भी आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ आपसे मैं वीडियो के एंड में। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ली हुई है हैंकी, ये कॉटन हैंकी है। तो यहाँ मैंने दो ली हूँ, लेकिन मैंने एक ही का यूज़ करेंगे हम, अभी बाद में देखते हैं दूसरे का यूज़ करेंगे नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हैंकी टकिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे हैंकी को फोल्ड। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, तो इसमें मैं चारों तरफ से हैंकी को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से लाकर, और उसके बाद मैं यहाँ करूँगी इसे। देखिए मैंने चारों तरीके से बहुत अच्छे से इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ करूँगी इसे पिन की हेल्प से टक कर लूँगी ताकि ये निकले ना। अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो ये खुल जाएगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पिन से इसे टक कर ले रही हूँ ताकि ये ओपन ना हो। और ये देखिए कितना अच्छे से एक फ्लावर का डिज़ाइन आ गया इसमें। इसको हम ऐसे बढ़िया से टक कर लेंगे। और ये कॉटन की हैंकी थी, तो थोड़ी सी अभी यानी छोटी ही थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। तो हमें इसे लेफ़्ट साइड में नहीं करना है, तो राइट साइड में कर लेते हैं। अगर आपको लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट में रखिए, अगर राइट में रखना है तो राइट में रखिए। अगर आपको दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लेफ़्ट में रख सकते हैं, नहीं तो आप राइट में रखिए। तो चलिए अब इसे हम कर लेते हैं ओपन और करते हैं नेक्स्ट यानी सेकेंड स्टेप। तो इसके लिए मैं इसे ओपन पूरा नहीं करूँगी, यहीं से मैं इसे फिर से एक बार और चारों तरफ से हम इसे करेंगे फोल्ड। अच्छे तरीके से हम इसे कर लेंगे फोल्ड। तो ये देखिए इसमें ना बहुत सुंदर एक फ्लावर बनता है। और यहाँ से मैं कर लूँगी इसे ओपन, चारों तरफ से हम चारों कोने को ओपन कर लेंगे। और खनक थोड़ी सी आ गई है डिस्टर्ब करने, लेकिन जल्दी ही भाग गई। तो देखिए मैं यहाँ कर लेती हूँ ओपन, और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन गया है। और इसको हम फिर से कर लेंगे पिन की हेल्प से, पीछे साइड से टक करेंगे, क्योंकि सामने से करेंगे तो पिन दिखेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम पिन को लगाएंगे पीछे साइड में। तो चलिए मैं कर लेती हूँ पिन से इसे टक। और ये कॉटन रुमाल है तो बहुत ही अच्छे से देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के रेडी है। तो इसे हम कर लेंगे आप साड़ी में टक। तो देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है। और अगर आपको इस साइड नहीं रखना है, आपको राइट साइड रखना है पल्लू के नीचे, तो आप राइट साइड भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बन चुका है। चलिए हम करते हैं अब नेक्स्ट स्टेप यानी थ्री स्टेप। तो इसके लिए मैं हाफ़ यानी आधा रुमाल को मैं मोड़ रही हूँ, उसके बाद में हम इसे करेंगे ऊपर साइड से लेफ़्ट राइट करके हम इसे मोड़ेंगे। तो चलिए मैं मोड़ लेती हूँ लेफ़्ट राइट करके, और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बन गया है। और बीच से इसे मैं कर लूँगी फोल्ड। तो देखिए ये कोन कितनी सुंदर कोन बन चुकी है। तो आप इसे या तो पिन की हेल्प से टक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी इसे आप साड़ी में बिना उसके भी टक कर सकते हैं अच्छे से, तो ये वैसे भी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए
और ये रुमाल ना अभी थोड़ा नया था, इसलिए बार बार हैंकी उठ रही थी, क्योंकि ये एकदम न्यू थी तो थोड़ी सॉफ्ट नहीं हुई थी इसलिए, नहीं तो आप लोग कहोगे कि उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसे थोड़ा माइंड नहीं करिएगा। और इसे भी करना था हैंकी टकिंग, तो बार बार डिस्टर्ब कर रही है। तो हमारे 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अब हम चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। तो फिर से हम चारों तरफ से इसको अच्छे से करेंगे फोल्ड हैंकी को, और हमें जो भी है अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद में हम इसे हाफ से मोड़ेंगे, और इस साइड दोनों साइड से हाफ हाफ थोड़ा सा मोड़ लेंगे, और यहाँ से हम कर देंगे एक साइड से ओपन। तो ये देखिए कितना सुंदर तरीके से हो चुका है, और यहाँ मैं कर लूँगी पिन की सहायता से फिर से टक। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये एक हाउस में है ना, हाउस जैसा हो गया है, तो कितने अच्छा लग रहा है। ये हमारा 4 स्टेप कंप्लीट है। अगर आपको राइट में रखना है तो राइट में रखिए, या लेफ़्ट में रखना है तो लेफ़्ट में रखिए। और ये देखिए खनक ने बनाई है, तो कह रही थी मम्मा इसे भी टक करके आप बताइए, तो चलिए हमने खनक का भी टक कर लिया। देखिए दो एक साथ कर दी थी इसने, दो साथ में थे। तो चलिए अब हम करते हैं अगला स्टेप। तो देखिए हमने फिर से बीच से टक कर लिया है, सॉरी मोड़ लिया है, और उसके बाद में फिर से हमने दोनों कॉर्नर को फिर से मोड़ा है, और फिर उसके बाद में इस साइड से भी हम दोनों तरफ से मोड़ लेंगे, और जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम धीरे धीरे करके छोटा छोटा करके मोड़ेंगे, और यहाँ कर लेंगे इसे पिन की हेल्प से टक। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, एकदम पतंग स्टाइल में। देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ना मोटा सा हो गया था, तो पिन लग नहीं पा रही थी उतने अच्छे से, तो यहाँ मैं थोड़ा सा ही लगा पाई। तो इसे देखिए हम कोना पकड़ के कर लेंगे, कितनी प्यारी लग रही है ये स्टाइल, बहुत ही यानी छोटी सी एकदम, बहुत ही मुझे तो सबसे ज़्यादा ये वाला ही बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा वाला स्टेप ज़्यादा पसंद आया। तो चलिए कर लेते हैं अब अगला स्टेप। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसे अच्छे से प्रेस, क्योंकि मोड़ मोड़ कर ये हो चुकी है। तो बीच से फोल्ड करने के बाद में हम किनारे से छोटा छोटा करके इसे फोल्ड कर ली हूँ मैंने। और ये देखिए ये ना न्यू हैंकी थी, इसलिए बार बार बहुत खुल रही थी, तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड मत करिएगा। तो ये देखिए बहुत ही तरीके से लेफ्ट राइट हम जिधर चाहे उधर बहुत अच्छे से रख सकते हैं। चलिए करते हैं अब अगला स्टेप। तो इसमें हम कोने की साइड से लेकर अच्छे से फोल्ड करेंगे नैपकिन को, और इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़े से मोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और बीच से इसे हम फोल्ड करेंगे, और दोनों कोने पकड़ के हम इसे पकड़ लेंगे। तो ये देखिए कितना प्यारा सा फ्लावर बन के रेडी है, और इसे हमें पिन से सिक्योर करना पड़ेगा, नहीं तो ये खुल जाएगी। तो हमें पिन थोड़ी एक पिन की यूज़ करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा न्यू है इसलिए ये उठ रही थी हैंकी, तो इसलिए मैंने इसे फिर से अच्छे से बनाऊंगी मैं। तो हम पकड़ेंगे अब अगला स्टाइल, बीच से ही हम इसे पकड़ेंगे, और इन कोनों को हम ऊपर की साइड में पकड़ के फोल्ड कर देंगे, और यहाँ लगा देंगे हम पिन, और हम पीछे साइड में लगाएंगे, क्योंकि सामने साइड अगर लगाएंगे तो ये दिखेगी पिन तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं टक, और इसे हम कर लेते हैं सिक्योर, और अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ऊपर की साइड तक हम कोने लेफ्ट राइट करके हम इसे जिग जग स्टाइल में मोड़ेंगे, और फिर हम इसे बीच से भी फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए जिग जग स्टाइल में कितना सुंदर तरीके से बन गया है, और यहाँ लगा देंगे हम एक पिन। तो ये एक प्यारा सा और एक स्टाइल बन के तैयार है। तो चलिए हम इसे कर लेते हैं टक। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है, और मेरी साड़ी और नैपकिन का कलर मैच हो रहा है, तो बताइएगा कैसा लग रहा है आपको। तो ये देखिए हमें इस साइड लेफ्ट राइट आप अपनी मर्जी से जिधर भी आपको रखना है आप रख सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए बीच से हम इसे फोल्ड करेंगे, फिर से नैपकिन को और कोने से फिर फोल्ड करते जाएंगे, और ये बना लेंगे हम एक प्यारा सा न्यू फ्लावर। देख सकते हैं आप कितना छोटा सा, एकदम बहुत ही तरीके से बहुत ही प्यारा, और ये थोड़ा सा ना खुल गई थी, तो इसकी वजह से इसके
जो स्टेप है वो क्लियरली नहीं दिख रहा था, तो थोड़ा सा माइंड नहीं करेंगे आप। चलिए अगला स्टेप करते हैं। तो हम दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे और इसे फिर बीच से हम फोल्ड कर देंगे और इसे हम फिर से बीच से फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं आप कितने तरीके से, ये वाला स्टाइल भी बहुत प्यारा था। देख सकते हैं आप, ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो का कौन सा स्टेप ज़्यादा अच्छा पसंद आया है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमें लेफ़्ट राइट जिस साइड भी आपको रखना है कि आप रख सकते हैं। और यहाँ मुझे बहुत इन्जॉय कर रही थी मैं बनाते बनाते, तो आप लोग देख ही सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो बीच से ये तो सिंपल वाला था, मैंने इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। और यहाँ पे ये वाला भी थोड़ा सा सिंपल सा था, इसमें इसका ना खुल चुके थे, मैंने जो डिज़ाइन बनाई थी वो खुल गई थी। तो यही था वीडियो आज का। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ इस छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और आपकी अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो मेरी कम्युनिटी में या मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो मिलते हैं ऐसी कोई नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सब अपना बेहद ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।